मॉर्निंग बच्चों, आज मैं पेप्टाइड्स की सिंथेसिस के बारे में बताऊंगी। कई मेथड्स हैं पेप्टाइड को सिंथेसिस पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए। सबसे पहला मेथड है बर्गमैन मेथड या बर्गमैन्स सिंथेसिस। बर्गमैन सिंथेसिस में बेंजील ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड को हम अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं। बेंजील ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड को हम सबसे पहले बनाएंगे। कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजील अल्कोहल से करवाते हैं और इसमें सॉल्वेंट टॉल्विन रहता है। बेंजील अल्कोहल प्लस COCl2। इन टॉल्विन C6H5CH2OCOCl प्लस HCl, ये अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। इस कंपाउंड से अब पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। C6H5CH2OCOCl बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, इसमें पहला मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सीलाइन की प्रेजेंस में C6H5CH2OCONH। इस साइड से NH आएगा CHR1COOH, एक HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में PCl5 के साथ रिएक्शन है जो कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करेगा। C6H5CH2OCONH CHR1COCl। अब यह कार्बोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे हम दूसरा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ अमीनो ग्रुप भी प्रोटेक्ट हो गया है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट हो गया है। NH2CHR2 दूसरे मॉलिक्यूल को हम R2 लिखेंगे। कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है एडिशन रिएक्शन में। फिर एक मॉलिक्यूल निकलेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी C6H5CH2OCONH CHR1CO। अब यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अब इस अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोजन और पैलेडियम की हेल्प लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। C6H5CH3 इधर से रिमूव हुआ, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और जो टेस्ट जो बचा बाकी बचा वो है डाइपेप्टाइड NH2CHR1CONH CHR2COOH। इस तरीके से डाइपेप्टाइड बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड की सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसकी रिएक्शन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सीलाइन। नेक्स्ट स्टेप में
हम कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ PCl5। उसके बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। लास्ट स्टेप में हम अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड वैनेडियम। इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। अगर अमीनो एसिड में सल्फर है तो हम उस केस में कैटालिटिक रिडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सल्फर कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है। इस केस में जो ब्लॉकिंग ग्रुप है बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके फिर अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को या ब्लॉकिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एजाइड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। एजाइड मेथड में हम एसाइल एजाइड को यूज करते हैं एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसाइजिंग पेप्टाइड्स। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को। बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अमीनो एसिड की रिएक्शन करवाई थी, तो एक अमीनो एसिड जुड़ गया था इसमें। यहाँ से रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। पिछले मेथड में हम ये स्टेप दिखा चुके हैं। यहाँ पे हम कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे C6H5 CH2 CONH CHR1 COOCH3। कार्बोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजीन से N2H4, इसको NH2 भी लिखते हैं। यहाँ पे हमने N2H4 लिख दिया है। ये रिएक्शन कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में C6H5 CH2 OCO ब्लॉकिंग ग्रुप फॉर अमीनो ग्रुप NH CH R1 COO NCOO NNH NH2। यहाँ से एक CH3OH, एक मिथाइल अल्कोहल निकल जाएगा और N2H4 या NH2NH2 यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे HNO2। C6H5 CH2 OCO। अब अमीनो एसिड NH CH R1 CO। यहाँ इसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो CON3, एक एन दूसरा एन और तीसरा एन, बाकी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे पेप्टाइड बनाने के लिए। NH2 CH R2 COOH। और बेटर यहाँ पर ही लिखेंगे कि हमने इसका कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया है।
इसके एस्टर को लिखेंगे NH2CH2COOCS3। अब रिएक्शन इसके साथ होगी, कंडेंसेशन होगा C6H5CH2OCO, डॉकिंग ग्रुप हुआ। उसके बाद अमीनो एसिड का एक रेजिड्यू NaCHR1CO या N3H निकल जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा NHCHR2COOCS3। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, जो हमारा एस्टर है वो वापस कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CH2OCO NHCHR1CO, दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल NHCHR2COOH। इसके बाद हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम H2PD। हमारा पेप्टाइड बन जाएगा डाइपेप्टाइड, एक टॉल्विन का मॉलिक्यूल, एक CO2 का मॉलिक्यूल और एक हमारा डाइपेप्टाइड। यहाँ से टॉल्विन, जैसे फर्स्ट स्टेप में बताया था बर्गमैन सिंथेसिस में, यहाँ CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये डाइपेप्टाइड हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ट्रिटल मेथड। बच्चों इस सिंथेसिस में हम ट्रिटिल रिएजेंट यूज करते हैं एज एन अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप और उसके बाद हम इस ग्रुप को रिमूव करेंगे एसिटिक एसिड के साथ गर्म करके या फिर इस पर ही सेम कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो ट्रिटिल रिएजेंट हमारा है C6H5CCl, ट्रिटिल रिएजेंट। इसमें हम अमीनो एसिड की रिएक्शन कराएंगे। ऑलरेडी हम अमीनो एसिड का एस्टरीफिकेशन कर चुके हैं NH2CHR1COOCS3। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमीन ET3N, ET means ethyl group, C6H5CH3, एक HCl निकल जाएगा NHCHR1COOCS3। In the presence of NaOH and acetic acid, hydrolysis होगी और ये carboxylic protecting group निकल जाएगा C6H5 C NHCHR1COOH।
नेक्स्ट स्टेप में हम कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे SOCl2 के साथ, और उसके बाद हम दूसरा अमीनो एसिड को मॉलिक्यूल को इसके साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में C6H5 होल थ्राइस CNH CHR1CO पहला अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, उसके बाद इस पर दूसरा को भी दिखाएंगे NH CH R2COOH। अब हमें इस टिटल डेजिट को हटाना है। इसको हटाने के लिए हम इसको एसिटिक एसिड के साथ हीट करेंगे। हमारा डाइपेप्टाइड मिलेगा हमें NH2 CHR1CO NHCHR2COOH, और ये इसके साथ रिएक्शन करके बाहर आ जाएगा प्लस C6H5 होल थ्राइस तरीके से ट्रिटल मेथड से हम पेप्टाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी मेथड्स बताएंगे। थैंक यू बच्चों।